हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ। आज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि मैंने खुद के मनी से पीसी बिल्ड किया और मोबाइल का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा था, फ्लिकर आ रहा था जब वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि मेरा पूरा शूट वगैरह मोबाइल से ही होता है, तो उसमें फ्लिकर की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व करनी थी। कल के दिन बहुत भयंकर बिजी था। आइए सब बातें बताऊंगा आपको, चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो, एकदम क्लियर कट स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि नेचुरल लाइट आ रही है। आर्टिफिशियल लाइट में फ्लिकर करता है, कई बार वो लाइंस आती है, आप कभी समझ सकते हो अगर आपने शूट वगैरह किया हो तो। वो प्रॉब्लम आ रही थी, मैं MI सर्विस सेंटर गया, बट वहाँ पे कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला भाई कैसे पॉसिबल नहीं है, दो कितने टाइम से शूट कर ही रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियल लाइट में फ्लिकर आ रहा है। उसने बोला नेचुरल लाइट में जाओ, नहीं आएगा। मैंने बोला ऑब्वियसली नेचुरल लाइट में तो अभी भी नहीं आ रहा है, पर अभी पहले आ रहा था, नहीं ये 2 वीक से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो बोलते पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं मैं पागल हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर बाद में उन्होंने बात मानी, तो उन्होंने बोला कि आप डेटा लॉस होगा पूरा का पूरा मोबाइल में से, तो जाके चेंज करके आओ, यानी कि सॉरी। तो उन्होंने कहा पूरा डेटा लॉस होगा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं PC में सब कुछ डाल के आता हूँ, पूरे डेटा वगैरह फिर आपको दे देता हूँ। फिर घर आया, फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने आइडिया दिया कि MI में बग रिपोर्ट होती है, फीडबैक एंड बग रिपोर्ट, तो वहाँ पर रिपोर्ट कर देता हूँ, तो क्या पता इम्प्रूव हो जाए 1-2 दिन में, नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा। सो देखते हैं, 1-2 दिन में आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। और यार PC मैंने बिल्ड किया कल के दिन, आज शायद थर्सडे, कल ही लाया वेनसडे को मैं PC, बट उसके लिए 3 दिन परेशान भयंकर हुआ मैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर के सर्विस वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही बकवास लोग होते हैं। जो मतलब मोस्टली मैंने जितने भी कंप्यूटर सर्विस वालों को फ़ोन किया है, जो घर पर आके आपका PC सेल करते हैं, नया बिल्ड करके देते हैं, मतलब परेशान कर दिया यार इन लोगों ने। संडे को मैंने उस बंदे को कॉल किया, तो बोलते हैं कि ठीक है भैया कल आके देखेंगे। कोई और बंदे को कॉल किया तो ठीक है भैया घंटे भर में आता हूँ। फिर वो 2 घंटा हुआ, कॉल किया मैसेज के कोई रिप्लाई नहीं। फिर बाद में जब तक 7-8 बज जाती है ना, तब तक वो फ़ोन उठाते और बोलते भैया आ रहा हूँ। फिर बाद में 7 बजे पकड़ा देते हैं नींबू, उठाना ही बंद कॉल, ना बोलेंगे तो पता है कि गाली देगा ये आदमी, या तो ध्यान नहीं देगा तो ठीक है नहीं उठाते कॉल, क्या फ़र्क पड़ता है। बस फिर कॉल ही नहीं उठाने का मतलब हम पूरे दिन परेशान हुए, वेट हुए, उनको कोई लेना देना नहीं। सेम चीज़ मंडे को हुई, सेम चीज़ ट्यूसडे को हुई, तो मेरा दिमाग हो गया पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेट। और मैंने बहुत सारी जगह सोचा कि क्या लूँ, इंटेल लूँ कि राइजन लूँ। तो बेसिकली बाद में मैंने डिसाइड किया, मतलब 2 दिन लगे थे मेरे को ये बेसिकली डिसाइड करने में कि राइजन बेटर है कि आईटेल, दोनों अपनी जगह बेटर है, बट मैंने फिर फाइनली एनालाइज किया, देखा तो मैंने राइजन ही ख़रीदा। AMD का राइजन 5 और ये पूरा कैबिनेट है ANT eSports का, और ऊपर से मस्त 3 फ़ैन हैं यहाँ पे जो कूलिंग देते हैं इनको, और 16 GB की रैम है RIP JAWS की, और नीचे पावर सप्लाई है और MSI का मदरबोर्ड है। तो ओवरऑल इस टाइप का PC मैंने बिल्ड किया है और काफ़ी अच्छा है दिखने करने में, और साथ ही में ऊपर ये सारे पैनल्स दिए हुए हैं जहाँ पे अपन ईयरफोन या तो जो भी व्हाटएवर अपने को अगर ना हो। ये मुझे बेसिकली 35,000 के आसपास पड़ा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरा बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, मीडियम बजट होगा, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा एकदम लो था कॉन्फ़िगरेशन, लाइक इंटेल पैटिनियम था जो बहुत ज़्यादा पुराना था, 2nd जनरेशन, तो उसमें सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, बहुत लैग कर रहा था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था उसमें एडिट होना। उसको 2 साल चलाया हूँ, फिल्मोरा में एडिट किया हूँ, भले लैग होके 100 बार बंद होता था, मैं फिल्मोरा में फिर भी एडिट करता, क्योंकि प्रीमियर प्रो में तो एडिट होना पॉसिबल ही नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए है, फिल्मोरा फिर भी सपोर्ट कर जाता था कम में, तो उसमें भी बहुत लैग होता था, बहुत इश्यू आते थे, लेकिन बट 2 साल में मैंने अच्छे से किए, मेहनत की और एडिट किया 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 उस पर, मेरी जो सारी उत्सव डाल की वीडियोज़ है सारी फिल्मोरा में एडिट हो रही हुई है। सो अभी ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैं प्रीमियर प्रो में एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियर प्रो जो है वो बहुत एडवांस लेवल का है, मैंने सुना है, मतलब मोस्टली सब लोग यही यूज़ करते हैं, तो मेरे को भी पता ही था कैसे यूज़ करते कैसे नहीं करते, बट प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन था नहीं मेरे पास,
तो वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन डाला और ये मेरे खुद के सेल्फ अर्नड मनी से डाला। मैं ऑलमोस्ट 9 महीने से सेविंग कर रहा हूँ, जो भी अर्न कर रहा हूँ सेव कर रहा हूँ थोड़ा 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 करके। अभी फ़िलहाल कोई इनकम खास है नहीं, इसीलिए मैंने खुद से ही अच्छा अच्छा जितना हो सके सेव किया, बिल्ड किया, सेव किया, बिल्ड किया और लाके ये पीसी खड़ा किया। अब प्रीमियर प्रो में ये सब एडिट होंगे, व्लॉग्स वगैरह मैंने भी डिसाइड किया कि जो भी मैं करता हूँ मेरे रेगुलर लाइफ में वो सारा का सारा आपको व्लॉग्स के थ्रू बताता रहूँगा। तो आप लोगों का प्यार बहुत चाहिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाता रहूँ, अच्छी एडिटिंग स्किल्स भी आपको थोड़ा दिखाता रहूँ। और वेज होम फिटनेस में तो सब्सक्राइब अभी कर लेना, उसमें बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट आने वाला है सही में। और वीडियो एडिटिंग का काम है अपना, आपको भी कोई वीडियो एडिट कराना हो कॉन्टैक्ट जरूर करना, मुझे ईमेल कर देना अगर आपको कुछ भी हो तो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो बस अभी ये कंप्यूटर आया है, अभी एडिटिंग करने बैठेंगे और कल एक क्लाइंट का वर्क लिया है मैंने, जाके शूट किया, एडिट करूंगा अभी, तो कल उसको दिया जाएगा। तो देखते हैं उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, आपको ज़रूर बताऊँगा उसको वीडियो एडिटेड कैसी लगी। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है गाइस, ये मेरे को समझ नहीं आया इसको ऐसे करो, फिर मुझे याद आया कि ब्रश से इसको साफ़ कर लेता हूँ। प्रीशु हाय कर दे, हाय हाय बल हाय। ये फ्रेंड है अपने सारे, मतलब मैं कैमरे में तो अपन दोनों ही है, इसके पीछे जो लोग दिखे अपने फ्रेंड्स है। ठीक है कार्टून लगाना? हाँ कार्टून लगाता, शेर वाला लगाना है। ठीक है मुझे तो आम खाने हैं। शेर को आम खाने भाई साहब, ये मछली तुम खाओ और महाराज के लिए आम लेके आओ। वाह भाई साहब वाह, आम तो यहाँ पे भी कहाँ अच्छे मिल रहे हैं आजकल। हाँ बहुत सही बोला, बंदर बना सिकंदर और शेर खाए आम, मिलकर दोनों जंगल का। तो गधा ज्यादा लग रहा है। सो गाइस ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैंने पीसी के रिलेटेड सारी रिलेटेड इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, स्टोरी रखता हूँ। खाने पीने का नहीं रखता हूँ, मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट जो भी काम करता हूँ इंपॉर्टेंट होता है वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, उसमें मेरा एडिटिंग रिव्यू आएगा। ऐसे बहुत सारे एडिटिंग कर चुका हूँ मैं फ्री एज अ फ्रीलांसर, बट अब रिव्यू आएगा वो भी बहुत अच्छी तरीके से एडिट करके। मैं बेसिकली कमर्शियल वीडियो एडिट करता हूँ, टेक्सटाइल रिलेटेड, मैं सूरत में हूँ तो टेक्सटाइल मार्केट का काम आता है तो वो करता रहता हूँ मैं, और भी एज अ फ्रीलांसर। ये बार बार भाई फ़ोन कर रहा है यार। आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला ही होगा कि हार्डवर्क करके अपन खुद ही पीसी बिल्ड कर सकते हैं, हर चीज़ पेरेंट्स को बोल के मतलब नहीं है, मतलब अब तो हम भी थोड़ा बहुत कैपेबल हो गए, तो खुद की मेहनत से कमाओ, खुद की मेहनत से लाओ और आगे बढ़ो। माँ बाप का आशीर्वाद है ही, भगवान का आशीर्वाद है ही। तो गाइज आप लोगों को भी मेरा काम अच्छा लगे, काम पसंद आए तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।